अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जॉब लेके आए हैं। जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब्स आई हैं वो देखते हैं कौन कौन सी जॉब है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में जॉब है तो आप यहाँ देख सकते हैं, असिस्टेंट की जॉब है। फिर यहाँ पे हमारे पास सब डिवीजन ऑफिसर की जॉब है, असिस्टेंट डिजाइन इंजीनियरिंग की जॉब है, असिस्टेंट डिजाइन ऑफिसर की जॉब है, और यहाँ पे आप असिस्टेंट डायरेक्टर फ्लड मॉनिटरिंग की जॉब है, असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है। यहाँ पे ये रेगुलर बेस पे है, आप देख सकते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या है और एज क्या है। अगर हम इसमें नीचे आए तो यहाँ पे आप इसके इसको जरा करते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल दी गई है। 17 स्केल है इसकी, क्या क्वालिफिकेशन, एज इसकी क्या चाहिए, जेंडर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, एनी डिस्ट्रिक्ट यानी कि पूरे पंजाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट में हमारे पास जो है पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की जॉब है, इसमें आप देख सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर है। तो इसकी भी आप क्वालिफिकेशन वगैरह और एज और पूरी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। होम डिपार्टमेंट में जॉब है, असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है, और पंजाब पुलिस की जॉब है जो आप देख सकते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट की जॉब है। तो यहाँ पे हम नीचे हैं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब है जो आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लाइब्रेरियन की जॉब है। तो यहाँ पे आप नीचे हैं तो लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जॉब है। तो ये सारी जो है MBBS की जॉब अवेलेबल है। की लास्ट डेट जो है 7 अक्टूबर 2021 है, इससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। फिर हम PPSC की वेबसाइट पे जाते हैं तो देखते हैं इसमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही हम PPSC की वेबसाइट पे आएंगे तो ये वो एड है, यहाँ से आप एड डाउनलोड करके इसे रीड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने चलान फॉर्म डाउनलोड करना है, चलान फॉर्म डाउनलोड करके आपने 600 रुपए का चलान फॉर्म जमा करवा देना है। इसमें आपने पहले केस नंबर लिख लेना है, केस नंबर और पूरी डिटेल फिल करके तो फिर आपने 600 का चलान फॉर्म जमा करवा देना है। फिर आपने ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है। मैं ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जॉब्स आ जाएंगी, जिस जॉब की एड मैंने आपको शो करवाई है। देख लें, दूसरे नंबर पेज पे चल जाए और तीसरे नंबर पेज पे चल जाए तो यहाँ पे वो जॉब्स अवेलेबल हैं। आपने वो जॉब सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करके तो जैसे कि मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ जॉब, मैंने इस पर क्लिक कर ली तो यहाँ पे एक्सेप्ट आईडी पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे आपने फिर यहाँ पे फॉर्म फिल पे चल जाना है। जैसे ही फॉर्म फिल पे जाएंगे यहाँ पे हम इसको ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे मैं अपना CNSE नंबर, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर देके फिल फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो पूरी डिटेल आ जानी है। आपने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल आपने इसे फॉर्म फिल करना है, फिल करके आपने जमा करा। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई मुश्किल पेश आ रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। तो ये थी हमारी आज की जॉब जिसमें हमने आपको बताया कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।